नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले का कटलेट, वो भी बिना लहसुन प्याज का, और व्रत में खाने वाला बनाएंगे हम। और इसके लिए हमें लेने हैं कच्चे केले 6, और उसे साफ करके दोनों साइड कट लगा देंगे। और उसे हम पानी में डाल करके 5 से 7 मिनट तक उबाल लेंगे, ताकि हमारा जो केला है वो नरम पड़ जाए। और उसे ठंडा कर लेना है हमें। थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसका छिलका उतार लेंगे हम। और सभी छिलके को निकालने के बाद इसे हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। तो ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है ये। और आप चाहे तो इसमें एक बॉयल आलू भी डाल दीजिएगा, पर आज इसमें आलू नहीं डालना है हमें। तो इसे हमें क्या करना है, मैश करना है। तो बिल्कुल ठंडा ना करें, और चम्मच या फॉक से इसे मैश कर लेना है हमें। और अच्छी तरह से, थोड़ा भी इसमें गुठली बड़ा नहीं होना चाहिए, और गर्म रहेगा तो आराम से हो जाएगा। इसमें मसाला डालेंगे हम, तो अदरक ग्रेट करके 1 इंच, और 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और क्रश किया हुआ काली मिर्च है वो आधा छोटा चम्मच डाल देंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। ये है रोस्टेड पीनट 2 बड़े चम्मच क्रश किया हुआ, इससे बहुत ही अच्छा आएगा, इसमें फ्लेवर और क्रंच आएगा। ये है बेसन रोस्टेड, ये 2 बड़ा चम्मच, और टेस्ट के अनुसार हम सेंधा नमक ले लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि आपस में बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाए। और इसमें पीनट्स का बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा दोस्तों, तो इसे ज़रूर डालें इसमें। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको। इसमें थोड़ा सा हम 1/4 भाग डालेंगे हल्दी पाउडर, और डाल करके इसे अच्छी तरह से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ बेसन के जगह पे फलहार में आप डाल सकते हैं, ये सिंघाड़ा का आटा है वो 3 से 4 चम्मच डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा बाइंड हो जाएगा। तब हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे, और इसे कटलेट का शेप दे देंगे। थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और शेप और साइज अपने अनुसार आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी कटलेट्स को बना लेंगे, और ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। तो इस तरह से हम सभी कटलेट्स को बना लेंगे। और इसके बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ शैलो फ्राई करूँगी। तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसे मीडियम कर लेंगे, और 2 से 3 डाल करके इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से कर लेंगे, तो हमारा जो कटलेट्स है वो एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। और चम्मच के पीछे से इसे हम पलट लेंगे, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो कटलेट्स है वो बहुत बढ़िया सुनहरा हो जाएगा, अंदर से सॉफ्ट होगा और बाहर से बहुत अच्छा इसका क्रंच होगा। तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे, और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ उसे भी हम इसी तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो जिसे आलू से परहेज है वो केले का कटलेट्स बना करके आराम से खा सकते हैं व्रत त्योहार में। तो इसे भी हम पलट लेंगे 1 मिनट के बाद, और इसी तरह से पलटते हुए गोल्डन कलर का हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब ये तैयार है, तो इसे हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखिए कच्चे केले का कटलेट्स बन करके हमारा तैयार हो गया है दोस्तों। इसे गरम गरम ही सर्व करें। ये इमली का चटनी है, इसके साथ व्रत में खाने वाली आप चटनी भी बना सकते हैं, और उसके साथ या दही के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कटलेट्स बन करके तैयार है दोस्तों। तो इसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।